अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परवन न्यूज महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। परवनी जिले में लोकशाही दिन का आयोजन, आम नागरिकों के तकरार और बाधाओं को इंसाफ के साथ तत्परता के साथ सरकारी नियंत्रण की ओर से छुड़वाने की खातिर प्रभावी उपाय योजना के तौर पर लोकशाही दिन चलाया जाता है। तारीख 6 सितंबर 2021 सोमवार के रोज जिला कलेक्टर ऑफिस परवनी में लोकशाही दिन का आयोजन किया गया है। लोकशाही दिन में पेश किए गए जाने वाले तकरार 2 अर्ज में परवनी स्थित जिला कलेक्टर ऑफिस के सामान्य प्रशासन विभाग में 1 सितंबर 2021 बुधवार के रोज पेश करें, ऐसा आह्वान सामान्य प्रशासन के उप जिला अधिकारी डॉक्टर संजय कुंडटकर इन्होंने किया। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. पुराना रास्ता खुला करने के लिए ग्रामवासियों का जानवरों के साथ बेमुद्दत अनशन। अनो तहसील के मौजे भौसा से बाबड़ गांव ये पुराना रास्ता खुला करने के लिए मांग के लिए ग्रामवासी तारीख 25 अगस्त 2021 बुधवार से यहां के जिला कलेक्टर ऑफिस के सामने बेमुद्दत अनशन जारी किए हैं। मौजे भौसा से बाबड़ गांव रास्ता ये पहले से आवाजाही के लिए खुला था, परंतु पिछले कुछ वर्षों से ये रास्ता बंद किया गया है। इस रास्ते को गांव के नकाशे में भी दिखाया गया है। इस रास्ते को लेकर बार बार मानवत तहसीलदार को अर्ज दाखिल किए गए और 23 अक्टूबर को अनशन भी किया गया, लेकिन यहाँ के आश्वासनों के सिवा किसी का कोई फायदा नहीं हुआ। ये रास्ता बंद करने से आवाजाही बंद हो चुकी है और अन्य जगहों से आने के लिए ग्रामवासी जाने नहीं देते हैं, इसलिए महसूल प्रशासन रास्ता उपलब्ध करा कर दे, ऐसी मांग मुंजाभाव जाधव, रामेश्वर जाधव, इंदर जाधव, तुकाराम जाधव, गणपत प्रधान, प्रहलाद जाधव, किशन जाधव, संतोष ठोमरे, नितिन जाधव, रवि जोड़पे, शाहू जाधव, विजय जाधव, सुरेश जाधव, माधव जाधव इन्होंने की है। ग्रामवासी अपने परिवार के साथ जानवरों को लेकर अनशन पर बैठने से लोगों के लिए एक देखने का माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। शेत रस्त्यामुळे इथं अमर उपोषण करत आहोत। शेत रस्ता नकाशाद्वारे आम्हाला मिळावा अशी अपेक्षा आहे आमची। समोरील गावाकडून येणारा रस्ता 500 फूट ते 600 फूट बंद झालेला आहे, त्याच्यामुळं आम्हाला शेतात जाता येत नाही, त्या कारणामुळे आम्ही उपोषण करत आहोत। मानवत तहसील के अटोला में तारीख 22 अगस्त 2021 रविवार के रोज ग्रामवासियों की ओर से जिला परिषद स्कूल के मैदान में गुणवंत छात्राओं का सत्कार, उसी तरह शेख हैंड फाउंडेशन की तहत मिले हुए एक या दोनों पालक नहीं रहने वाले ऐसे निराधार बच्चों को शिक्षा साहित्य बांटे गए। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष स्थान पर सरपंच सो हरिभाई लावगिरे ये थे, तो प्रमुख अतिथि में प्रिंसिपल डॉक्टर रामचंद्र भिसे, बाजार समिति के संचालक अंबादास राव तुपसिमित्रे आदि मंच पर हाजिर थे। इस समय NMMS में कामयाब हुए छात्रों का सत्कार भी किया गया। जिले में प्रथम क्रमांक आए हुए अनुसूचित जाति जमाति के सागर वड़मारे इस छात्र का विशेष सत्कार किया गया। इस समय अनेकों ने बड़े पैमाने पर आर्थिक मदद की, निराधार रहे 4 बच्चों को शेख एंड फाउंडेशन की ओर से स्कूली सामान दिया गया। इस समय प्रोफेसर डॉक्टर रामचंद्र भिसे इन्होंने मार्गदर्शन किया। इसके अलावा अंबादास राव तुपसिमित्र इन्होंने भी महत्वपूर्ण बातें कही। इस कार्यक्रम के लिए अध्यक्ष आबा साहेब करडले, उप सरपंच परमेश्वर निर्मल, एकनाथ राव करडले, पुलिस पाटिल संजीव गिरी सोमठान और अटोला ग्रामवासी बड़े संख्या में हाजिर थे। कार्यक्रम का संचालन मुख्याध्यापक दिगंबर भिसे इन्होंने किया। बिना परमिट ऑटो के खिलाफ जोरदार मुहिम, 26 ऑटो रिक्शा जब्त। आज तारीख 25 अगस्त 2021 बुधवार के रोज शहर के यातायात पुलिस और RTO ऑफिस की ओर से शहर में बिना परमिट ऑटो रिक्शा के खिलाफ विशेष मुहिम शुरू की गई है। इस पथक ने बस स्टेशन इलाके के बिना परमिट 26 ऑटो रिक्शाओं को जब्त किया है और गांव के रास्ते के बस डिपो यानी कि विभागीय नियंत्रक ऑफिस के करीब इन ऑटो रिक्शा को खड़े किया गया है। दरमियान ऑटो रिक्शा ड्राइवरों के खिलाफ जुर्मानात्मक कार्रवाई की जाएगी। दरमियान सभी यातायात के नियमों का पालन करें। बिना परमिट ऑटो रिक्शे वालों को ये शहर में यातायात नहीं करने दी जाएगी, ऐसे पाए जाने पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, ऐसा इशारा SP ऑफिस के तहत जनसंपर्क विभाग की ओर से दिया गया है। लेकिन हम ये बताना चाहते हैं कि इन ऑटो वालों के लिए RTO ऑफिस से परमिट चालू करें ताकि उन्हें परमिट निकाल कर ऑटो चला सके। परवनी जिला पहले से ही पिछड़ा हुआ है, यहाँ कोई कारोबार नहीं, यहाँ कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं, कोई MIDC नहीं, पढ़ा लिखा युवक भी ऑटो चलाकर अपना घर गुजारना देखता है, लेकिन ऐसे हालत में अगर से उनके ऑटो पकड़े जाएंगे तो उन पर और जो तो गाज गिरेगी। पहले ही कोरोना महामारी को देखते हुए परवनी जिले का कारोबार पूरी तरीके से अब तो कहीं सुधरने में आ रहा है, जबकि यहाँ के जिला कलेक्टर आचल गोयल इन्होंने जो रात के 10 बजे का समय रखा है उसी में कोई सुधारना हो रही है व्यापारियों में, और उसमें अगर से ऑटो धारकों पर इस तरीके से गाज गिरेगी तो उनके परिवारों पर बहुत बड़ी संकट आ सकती है। इसलिए पुलिस अधीक्षक SP जयंत मीना ये करते हुए अध्यक्ष SP जयंत मीना ये और ध्यान दे और RTO ऑफिस को इस तरीके से आदेश पारित करे ताकि उसमें परमिट निकाला जाए और लाइसेंस के बिना ऑटो चलाते हैं तो उन पर कार्रवाई की जाए, ना कि उन पर जो तो परमिट ना होने पर कार्रवाई करने पर ये एक योग उचित नहीं होगा, क्योंकि परवनी जिला ये पिछड़ा हुआ है।
परभणी शहर के शांति निकेतन कॉलोनी से कृषि कॉलोनी मेन रोड दूसरे निवास से लेकर ढोबड़ किराना रास्ता महाड़ा कॉलोनी से लेकर गोरा सिंह घर तक और शरद नगर रास्ते की मरम्मत की जाए, इस तरह का निवेदन टीपू सुल्तान युवा मंच की ओर से मनपा आयुक्त देवीदास पवार को दिया गया। दिए हुए निवेदन में कहा है कि शांति निकेतन स्कूल, धार्मिक स्थलों, संतोषी माता मंदिर, अक्सा मस्जिद, सात सैयद दरगाह रहने के कारण बड़ी संख्या में नागरिकों का आना जाना लगा रहता है। ये रास्ता बारिश से पूरी तरह से खराब हो चुका है, इसे मरम्मत करने की जरूरत है, इसे मरम्मत की जाए, ऐसी मांग का निवेदन टीपू सुल्तान युवा मंच के अध्यक्ष एडवोकेट आसिफ पटेल, आदिल खान, अब्दुल सत्तार खान, सैयद आदि ने दिया है। इस पर इनके हस्ताक्षर मौजूद है। नगर पालिका चुनाव में एक सदस्य प्रभाग रचना, कच्चा नक्शा तैयार करने की सूचना। 2022 में मुद्दत समाप्त होने वाले महानगर पालिका के चुनाव को लेकर राज्य चुनाव आयोग ने प्रारूप प्रभाग रचना का कच्चा नक्शा तैयार करने की सूचना महानगर पालिका आयुक्त को दी है। विशेष बात यह है कि एक प्रभाग एक सदस्य, इस तरीके से ये चुनाव होंगे। यूपी सरकार ने एक प्रभाग से 4 से 5 सदस्य चुनकर देने का निर्णय लिया था। आने वाले चुनाव को लेकर 2 सदस्य की चर्चा क्रम थी, लेकिन महाविकास आघाड़ी सरकार ने इसमें बदलाव लाते हुए एक प्रभाग एक सदस्य इस तरीके पर चुनाव लेने का निर्णय जाहिर किया है। उसी के तहत राज्य चुनाव आयोग ने प्रारूप प्रभाग रचना का कच्चा नक्शा पेश करने के आदेश तारीख 25 अगस्त 2021 बुधवार के रोज दिए हैं। इसलिए अब आजी माजी भाविक इच्छुक उम्मीदवार अब इसके लिए मैदान में उतर सकते हैं और चुनाव की दृष्टि से अब तैयारी में लग जाएंगे, ऐसा खुला हो गया है। के नाम पर बेरोजगार युवकों को लूटने वाले नेशनल बैंकों की और उसी तरह अग्रणीय बैंक के व्यवस्थापक की जांच कर सख्त कार्रवाई करने की मांग का निवेदन प्रहार जनशक्ति पक्ष की ओर से जिला कलेक्टर को दिया गया है। दिए हुए निवेदन में कहा है कि साल 2018-19 और 2020-21 इस आर्थिक वर्ष में विविध समर्थ वर्गों के बेरोजगार युवकों को विभिन्न विकास महामंडलों की ओर से स्वयं रोजगार निर्मिति और उद्योग खड़े करने के और खुद के पैरों पर खड़े रहने के लिए राज्य सरकार की ओर से विविध कर्ज योजना चलाए जा रहे हैं। योजनाओं के तहत बेरोजगार युवक संबंधित महामंडल के पास अर्ज करने पर महामंडल के तहत कर्ज मामला नेशनल बैंकों के पास भेज दिया जाता है। बैंक ने कर्ज मंजूर करने के बाद उस युवक को योजना के तहत कुल कर्ज के 20% बीज भांडवल और अनुदान की रकम कर्ज प्रकरण में मंजूर करने वाले बैंकों को चेक द्वारा दिया जाता है। उसके बाद बैंक बकाया कर्ज उस उम्मीदवार को देते हैं। परंतु 2018 और 2020-21 इन 3 आर्थिक वर्ष में महामंडल की ओर से चुने गए अर्जदारों के कुल अर्ज की बीज भांडवल और अनुदान संबंधित बैंकों का महामंडल ने चुने हुए उम्मीदवारों की यादी सूची भेजी है। इसमें से कईयों को चेक बैंक के उठा लिए हैं और लेकिन उन उम्मीदवारों को कर्ज नहीं दिया गया है, इसलिए कर्ज के नाम पर बेरोजगार युवकों की आर्थिक लूट की गई है। ऐसे बैंकों के खिलाफ और इस मामले में शामिल अग्रणीय बैंक के व्यवस्थापक की जांच कर सख्त कार्रवाई करने की मांग का निवेदन प्रहार जनशक्ति की ओर से दिया गया है। इस निवेदन पर युवा आघाड़ी के जिला प्रमुख गजानन चोपड़े, तहसील प्रमुख बाला साहेब तरवटे, युवा आघाड़ी के तहसील प्रमुख शिवाजी चौहान, नारायण ढगे, रामेश्वर पंडरकर, नकुल होंगे, कैलाश राष्ट्रकुल और शिवाजी गरोटे, श्याम होंगे, वैभव संगई आदि के हस्ताक्षर मौजूद है। महामंडळाच्या वतीने बेरोजगारांना उद्योगासाठी स्वयंरोजगारासाठी कर्जाचं वाटप केलं जातं। याची एक साधी प्रोसिजर आहे। महामंडळामध्ये त्या तरुणाने त्याच्या संवर्गातील तरुणांनी अर्ज दाखल करायचा, त्यानंतर 20% भाग भांडवल, 20% जे बीज भांडवल आहे ते देऊन बँकेकडे प्रस्ताव पाठवला जातो आणि बँक त्यांना ते कर्ज प्रकरण मंजूर करते। परंतु यावेळेला असं झालं की 2018 बीज भांडवल दिलेलं आहे परंतु बँका कर्ज देत नाहीत आणि मागच्या 2-3 वर्षापासून ते जे पैसे आहेत ती बँक फुकट वापरते, त्यांना कुठल्या प्रकारचं कर्ज व्याज देत नाही। बँकेनं, राष्ट्रीयकृत बँकेनं चालवलेला हा खेळ अतिशय दुर्दैवी आहे आणि अपमानजनक आहे आणि चीड आणणारा आहे। म्हणून आमची आज माननीय जिल्हाधिकारी महोदयांकडे मागणी केलेली आहे की आपण ज्या लोकांना बँक महामंडळाने कर्ज मंजूर केलं परंतु बँकेनं कर्ज दिलं नाही अशा लोकांची बैठक लावावी आणि त्यांच्या ज्या बँकेनं ह्या सगळा फ्रॉड केला आहे त्याच्यावरती कारवाई करावी। यामुळे काय झालं की महामंडळानं त्यांना जे बीज भांडवल दिलं त्यामुळे त्या जो कर्जदार आहे त्याच्या नावावरती कर्ज पडलं परंतु बँकेचं कर्ज नाही भेटलं, परंतु त्याच्या नावावरती आज त्याच्या 7-12 बोजा पडलेला आहे, त्यामुळे त्याला पीक कर्ज मिळत नाही, कुठल्या प्रकारच्या सुविधा घेता येत नाहीत। याबद्दल प्रहार जनशक्ती पक्षाच्या वतीने आज माननीय जिल्हाधिकारी महोदयांना एक निवेदन करून चौकशीची मागणी करण्यात आलेली आहे। हमारा न्यूज आपको किस तरह पसंद आ रही है इस पर जरूर कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें और इसके ऊपर जितना हो सके उतने कमेंट्स करके हमें बताएं कि आपको ये न्यूज किस तरह पसंद आ रही है। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।